हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से डिजिटल साइन डीएससी के द्वारा हमें बिल बनाने हैं और किस तरह से उनको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो इस पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो चलिए, सबसे पहले आपको आपका जो डीएससी है वो बना लेना है, और डीएससी बनाने के बाद में उससे संबंधित जो भी आपका लैपटॉप है या आपका जो डेस्कटॉप है उस पर कुछ सेटिंग्स आपको करनी है। जो वन टाइम प्रोसेस है वो आपको प्रोसेस यहाँ पर करना है। आपका जो डोंगल है, डीएससी है, उसको आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से देख करके आप जो वन टाइम प्रोसेस है उसकी सहायता से आपका जो डीएससी है उसको आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, वन टाइम प्रोसेस के बाद में आपको आपके पे मैनेजर पर लॉगिन करना होगा। यह सारी प्रक्रिया जो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के 11 वर्जन में आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉगिन करने के बाद में आपको सिंपली, जैसे आप बिना डिजिटल साइन की सहायता से बिल बनाते हुए आए हो, उसी तरह से आपको बिल प्रोसेस करना है। बिल प्रोसेस करने के बाद में जो भी रिक्वायर आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं। अगर कोई नया कार्मिक आया है तो उसकी एलपीसी है, या किसी कार्मिक का फिक्सेशन हुआ है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। और अगर ऐसा कोई कार्मिक नहीं है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आपको आपका जो बिल है उसको डीडीओ फॉरवर्ड करना है, और डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में उन सभी बिलों को आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। इसके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में आपको आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाकर के आपका इनर आउटर और जो ऑल शेड्यूल है वो आपको डाउनलोड करके एक बार रिपोर्ट आपको चेक कर लेनी है। बारी बारी से प्रत्येक बिल के लिए आपको इनर डाउनलोड करना है, आउटर डाउनलोड करना है, और ऑल शेड्यूल आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर बिल को चेक कर लेना। देखिए, एक छोटी सी चीज़ और हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि ट्रेजरी फॉरवर्ड से पूर्व किसी भी स्टेज पर कोई रिपोर्ट नहीं देखनी है। यदि देख ली तो ट्रेजरी को फॉरवर्ड तो हो जाएगा, लेकिन बिलों पर डिजिटल साइन नहीं होंगे और हमें बिल को ट्रेजरी से रिवर्ट करवाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बिल प्रोसेस करना है, बिल प्रोसेस करने के बाद में उसको डीडीओ फॉरवर्ड करना है, और डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में उसको हमें सीधा ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद ही हमें जो रिपोर्ट्स हैं वो चेक करनी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ पे साइन हो जाएगा, कुछ पे साइन नहीं होगा। देखिए, सभी बिलों के आपको इनर आउटर और ऑल शेड्यूल चेक करने के बाद में आपको वापस से आपके जो होम स्क्रीन है उसके वो जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर ऑथोराइजेशन में आपको यहाँ जाना है। जैसे आप ऑथोराइजेशन पर आपके माउस पॉइंटर को लेकर के जाएंगे तो इस तरह से आपको आपके होम स्क्रीन दिखाई देने वाली है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उसमें से आपको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन, तो जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखिए, डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रीन इस तरह से दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, आपका बिल टाइप सेलेक्ट करना है, और आपका जो ग्रुप नेम है वो सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखाई देगी। सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो बिल है वो आपको स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पर बिल नंबर जो 5 लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आपके राइट साइड में साइन बाय आधार और साइन बाय डीएससी इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ देखिए, आप टोटल फाइल्स 4 और टोटल साइन फाइल 3,
तो यहाँ पर मैंने कुछ फाइलों को ऑलरेडी साइन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहा है आपको। स्टार्टिंग में टोटल फाइल्स यहाँ पर दिखाएगा तीन, टोटल साइन फाइल तीन, आपका इनर, आउटर और ऑल शेड्यूल। और टोटल साइन फाइल आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर जीरो दिखाएगा, फाइल साइन होने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल शो होने वाली है। तो टोटल फाइल आपको यहाँ पर तीन दिखाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे साइन बाय डीएससी, क्योंकि हमें डीएससी से साइन करना है तो साइन बाय डीएससी पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको आपका जो डीएससी है, आपका जो डोंगल है, डिजिटल साइन है, उसको सिस्टम पर आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर साइन बाय डीएससी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जस्ट साइन बाय डीएससी के नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सेलेक्ट सिग्नेचर। तो यहाँ पर सेलेक्ट सिग्नेचर पर आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो इस तरह से दिखाई देगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देगी। आपको आपका जो डीडीओ का है वो राइट साइड में नाम शो होने वाला है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हो इस तरह से। यहाँ पर आपका जो डीडीओ का नेम है उसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करना है आपको आपके जो डीएससी है उसके लॉगिन, आपको यहाँ पर जो पासवर्ड है वो यहाँ डालने होंगे, एक बार लॉगिन करना होगा। वो डालने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा लॉगिन करने के बाद में, साइन फाइल। तो यहीं से साइन फाइल पर क्लिक करके आपको आपके जो जितने भी इनर है, आउटर है और ऑल शेड्यूल है उन पर आपको साइन कर पाएंगे। तो आपको साइन फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन फाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, साइन फाइल सक्सेसफुली। ये मैसेज आने के बाद में आपका जो टोटल फाइल तीन थी और टोटल साइन फाइल जीरो थी, अब आपकी साइन होने के बाद में टोटल फाइल तीन और टोटल साइन फाइल भी तीन हो जाएगी। मतलब तीन फाइल आपकी अपलोड हुई थी यहाँ पर और तीनों फाइलों पर आपके यहाँ पे साइन हो चुके हैं। अब आप साइन किस तरह से चेक करेंगे, तो साइन चेक करने के लिए आप यहाँ साइड में देख सकते हो दो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, व्यू रिपोर्ट है, व्यू डॉक्यूमेंट है, साइन रिपोर्ट है। तो यहाँ पर साइन रिपोर्ट पर जाकर के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डाउनलोड हो जाएंगे और आप बारी बारी से चेक कर सकते हो कि सभी फाइलों पर साइन हुए हैं या नहीं हुए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के बावजूद भी अगर कोई आपके समस्या पैदा हो, कोई प्रॉब्लम रहे, तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।